मोमेंट्स लेटर। हेलो व्हाट्सअप गाइज, कैसे हो आप लोग? तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे अपने अपने फैमिली के साथ। तो जी हाँ दोस्तों, अभी मैं हूँ सरहंद फतेहगढ़ साहिब। तो ये जो सरहंद फतेहगढ़ साहिब है, ये एक पंजाब का एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि चंडीगढ़ से अप्रोक्स 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और आप लोग जो मेरे पीछे देख रहे हो, ये है आम खास बाग। तो ये यहाँ का एक टूरिस्ट प्लेस है। और इस डिस्ट्रिक्ट में और भी जगह है घूमने को, जैसे कि गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहिब जो कि छोटे साहिबजादे जी की मतलब शहीदी स्थल है। और वो तो मैं देख चुका हूँ, वो मैं बहुत पहले एक्सप्लोर कर चुका हूँ और उसकी वीडियो अगर आपको देखनी है तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग देख सकते हो। और ये रह गया था एक एक्सप्लोर करना यहाँ पर, क्योंकि उस टाइम जब मैं आया था तो ये बंद था, और लेकिन अब खुला है तो मेरा लक है ये। तो चलिए आज फाइनली इसे एक्सप्लोर करने का मौका मिला, तो आपको दिखाते हैं कैसे आम खास बाग। तो ये जो गार्डन है आम खास बाग, ये मतलब मुगल कालीन गार्डन है, मुगलों के द्वारा बनाया गया था। उस टाइम पे वजीर खान यहाँ के जो राजा हुआ करते थे उसके द्वारा बनाया गया था। तो बहुत ही अच्छा है ये, चारों तरफ बाग है और उस टाइम के स्ट्रक्चर वगैरह है, आप लोग देख सकते हो। ये देखो मतलब पूरा ही मतलब जैसे देख सकते हो ग्राउंड है बड़ा सा, और चारों तरफ उस टाइम के दीवार वगैरह जो है अभी भी ऐसी है, तो बहुत ही अच्छा है। तो चलिए आपको पूरा यहाँ का व्यू दिखाते हैं और आपको यहाँ की हिस्ट्री बताने की कोशिश करेंगे कि यह कैसे बना था। तो चलिए चलते हैं। तो अभी मैं पहुँच चुका हूँ आम खास बाग। तो ये जो आम खास बाग है, इसका निर्माण करवाया गया था बादशाह अकबर के द्वारा 17वीं शताब्दी में। तो ये जो आम खास बाग है, ये मुगल कालीन इतिहास का एक नमूना पेश करता है, क्योंकि उस ज़माने में जब इतने हाईटेक मशीन ये सब नहीं हुआ करते थे, उस वक़्त भी इतना अच्छा डिज़ाइन से बनाना मतलब काबिले तारीफ़ है। तो सच में इसे संजो के हमें रखने चाहिए ऐतिहासिक धरोहर को, ताकि आने वाली हमारी पीढ़ियाँ जान सके कि जब जिस ज़माने में कुछ नहीं हुआ करते थे, मतलब इतने मॉडर्न नहीं था, टेक्निक नहीं थे मशीन, फिर भी ऐसे ऐसे निर्माण हुआ करते थे। ये जो आम खास बाग है, इसका निर्माण करवाया ही क्यों गया? तो इसका निर्माण इसलिए करवाया गया क्योंकि उस वक़्त जो बादशाह अकबर थे या मुगल एम्परर, उनका साम्राज्य था दिल्ली में, दिल्ली तक मतलब उनके शासन हुआ करते थे दिल्ली के आसपास। तो उनको जाना पड़ता था लाहौर, जो कि अभी पाकिस्तान में है, बट उस वक़्त सारा ही हिंदुस्तानी था। तो उन्हें ट्रेडिंग के लिए जाना पड़ता था दिल्ली से लाहौर। तो उस वक़्त हवाई जहाज़ का सुविधा तो था नहीं, तो वो जाते थे बाय रोड, तो उन्हें काफ़ी दिन लग जाता था जाते जाते। तो इस वक़्त उनके जो सैनिक हुआ करते थे या फिर जो घुड़सवार, वो खुद थक जाते थे, तो उनके आराम के लिए ये आम खास बाग का निर्माण करवाया गया था उस वक़्त। Thank you.
लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो आपको पता ही कि क्या करना है, एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर ज़रूर कर दो अपने दोस्तों के साथ। और अगर नहीं पसंद आई है तो दो बार डिसलाइक के बटन पर क्लिक करो ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं नेक्स्ट टाइम इससे भी अच्छी वीडियो लाने की कोशिश कर सकूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।